अयोध्या की संसदीय सीट की जीत में दरियाबाद विधानसभा का सबसे ज्यादा योगदान है, इसीलिए दरियाबाद विधानसभा का सबसे ज्यादा विकास किया जाएगा। ये बात फैजाबाद सांसद लल्लू सिंह ने कही। अयोध्या फैजाबाद से दूसरी बार निर्वाचित सांसद लल्लू सिंह ने कस्बा सुबेरगंज के सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में आयोजित सम्मान अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आपके अथक प्रयास एवं लगन का फल है कि दरियाबाद क्षेत्र से अभूतपूर्व सफलता मिली है। हमारा संकल्प है कि 2022 तक दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र का हर गांव, हर घर, हर परिवार तक पूर्णतया विकास किया जाएगा। चुनावी संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद एवं बधाई देते हुए कहा कि हमें आगामी विधानसभा चुनाव तक चुपचाप नहीं बैठना है, बल्कि जनसेवक का धर्म निभाकर सरकार की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। विधायक सतीश चंद्र शर्मा ने नव निर्वाचित सांसद को बधाई शुभकामनाएं देते हुए कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान गठबंधन के लोग जिन योजनाओं को चुनाव बाद बंद करने की बात कहकर बरगला रहे थे, हमारी सरकार ने शपथ ग्रहण करते ही उन सभी योजनाओं को बंद नहीं बल्कि उसका विस्तार कर दिया है। जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार श्रीवास्तव ने सांसद का अभिनंदन करते हुए कहा कि जनता ने जो विश्वास हमारी पार्टी के प्रति जताया है, बरकरार बनाए रखना हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है। हम सभी लोग राम सेना के बंदर भालू रिच के समान है जो राम रूपी मोदी के सैनिक है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि अपनी समस्या या भड़ास सोशल मीडिया के माध्यम से न व्यक्त करके व्यक्तिगत रूप से मिलकर करें। समारोह को हिंदू वाहिनी के जिला अध्यक्ष रवि सिंह एवं नागेंद्र सिंह, सोनू सिंह, टिकेन नगर नगर पंचायत अध्यक्ष जगदीश प्रसाद गुप्ता, जवाहरलाल वर्मा, मनोज मिश्रा, चंद्रशेखर वर्मा, दिगपाल सिंह, सुरेंद्र सिंह, सुरेंद्र मिश्र, प्रदीप कुमार सिंह, लक्ष्मीकांत मौर्य, मुलायम सिंह यादव, रघुनंदन चौरसिया, राकेश लोधी, बाबा परमेंद्र विक्रम सिंह, समर बहादुर सिंह, दुष्यंत शुक्ल सिंह नादी, कमलाकांत द्विवेदी, प्रमोद तिवारी, रघुनंदन मिश्र आदि ने संबोधित किया। राम सनेही घाट से रामबाबू मिश्र के साथ अजय तिवारी की रिपोर्ट।